हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरजी, यू आर वॉचिंग बेदी लर्निंग। आज की वीडियो से अभी गल करांगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 8वीं द इंग्लिश सैक्शन। अज अभी करांगे वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, जो कि रविंद्र नाथ टैगोर ने लिखी हुई है। वो अपनी कंट्री नू एक स्वर्ग बनाना चाहता है जिथे हर तरह की फ्रीडम होवे। पोइट चाहता है कि उसकी कंट्री विच जिहड़े लोग आ फेयरलैस होने चाहिए हैं, डर तो रहित होने चाहिए हैं, उन्हें किसी तरह का किसी तो भी डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो कंट्री मैन आ वो बहादुर होने चाहिए हैं, ब्रेव होने चाहिए हैं। दे शुड बी एबल टू होल्ड देयर हैट्स हाई विद ऑनर। उस जो कंट्री के लोग आ वो अपनी कंट्री का मान के नाल सिर उच्चा चुकन वाले होने चाहिए हैं। They should do nothing that is mean or low। उन्हें कुछ भी अजिहा नहीं करना चाहिए जो कि mean और low होवे, घटिया लैवल का होवे, घटिया काम होवे, अजिहा कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो poet आ the poet wants to his country to be a place where knowledge is free। poet चाहता है कि उसकी country विच जिहड़ी knowledge है free होनी चाहिए, free of cost होनी चाहिए है। नॉलेज का कोई भी मुल नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ए प्लेस वे ऑफ पीपल लिव इन लव एंड जुंटी। उसकी कंट्री दे बीच जिहड़े लोग आ वो जुंटी ते प्यार दे नाल रहने चाहिए हैं। उन्हां विच आपस विच नफरत की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी डिवाइडेड बाय नैरो थॉट्स ऑफ कास्ट एंड क्रीड। वो जात पात दे नैरो सोच विच नहीं झगड़े होने चाहिए। उन्हां विच वो आपस विच प्यार दे नाल रहने चाहिए हैं। उन्हां विच कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पीपल शुड लिव बी ट्रूथफुल। वो सच्चाई दे नाल मतलब वो सच्चे होने चाहिए हैं। उसकी जो कंट्री दे लोग आ हर तरह सच्चाई का साथ देने वाले होने चाहिए हैं। देयर वर्ड शुड स्प्रिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हर्ट। उन्हां दे जो वर्ड आ उदिलों निकले होने चाहिए हैं, ना कि दिमाग तो सोचे गए वर्ड होने चाहिए हैं। हर एक काम जो वो करते हैं वो दिलों होना चाहिए है। उन्होंने अपना काम जिहड़ा वा परफेक्शन दे नाल करना चाहिए है, बिना थके करना चाहिए है। अपने काम विच उन्होंने कोई भी ढिल नहीं बरतनी चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए हैं अपने काम विच। दे शुड बी गाइडेड बाय रीजन अलोन। दे शुड नॉट फॉलो एनी यूजलैस कस्टम। उन्होंने किसी भी तरह दियाँ जो यूजलैस कस्टम आ व्यर्थ कस्टम आ रीति रिवाज आ उन्होंने फॉलो नहीं करना चाहिए। जिदा जात पात हो सकता वा होर सब तरह के जो लो लैवल दे कस्टम आ उन्होंने फॉलो नहीं करना चाहिए। सती प्रथा कुछ भी आ, दहेज प्रथा, इन्हों कस्टम नू फॉलो नहीं करना चाहिए। दे शुड बी ब्रोड माइंडड। वो ब्रोड माइंडड होने चाहिए हैं, उच्चे विचारा दे होने चाहिए हैं। द पोइट प्रेस डैट हिज कंट्री शुड बिकम ए ट्रू हैवन ऑफ फ्रीडम। पोइट जो प्रे करता है कि उसकी जिहड़ी कंट्री है एक स्वर्ग होना चाहिए वा जिते हर तरह की आज़ादी होवे, स्वतंत्रता होवे, कोई भी गुलामी ना होवे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल ईवल्स। ये सारियां बुराइयां तो रहित होना चाहिए है, किसी भी तरह की कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए। इस तरह पोइट जो आ अपनी एक कंट्री नू आदर्श कंट्री बनाना चाहता है। ये तुहाड़े जो क्लास 10th है बहुत ही इंपोर्टेंट पोएम आ, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम आ। इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। जेकर चैनल ते नवे हो तो चैनल नू लाइक कर लो, सबसक्राइब कर लो। इन लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दी लर्निंग।